अब सुनो श्रीमद् भागवत का दूसरा अध्याय छठा स्कंध, जिसमें भागवत धर्म निरूपण आजा मिलकर परम धाम गमन। श्री शुकदेव जी बोले राजन, सुन यम दूतों का दंड विधान, धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने किया निदान। पार्षद बोले यम दूतो बड़े आश्चर्य खेद की बात, धर्मज्ञों की सभा में अधर्म दंड पाए निरपराध। रक्षक शासक समदर्शी यदि करे विषमता का व्यवहार, प्रजा किससे कहे दुखड़ा जाए फिर वो किसके द्वारे। सत्य पुरुष कर जैसा आचरण वैसा ही करते साधारण, धर्म अनुकूल करे प्रमाणित लोग करे उसका अनुकरण। धर्म अधर्म स्वरूप न जाने सत्पुरुषों पर कर विश्वास, उसकी गोद में सिर रख कर निर्भय निश्चित सो जाए आप। वही दयालु सत्य पुरुष जो प्राणियों का है विश्वास पात्री, उन अज्ञानी जीवों साथ कैसे करे विश्वास घात। किसने अपनी पाप राशि का पूरा प्राशित कर लिया, इसने विवश होकर सही मोक्ष प्रद नाम उच्चारित किया। जिस समय इसने नारायण किए चारे अक्षर उच्चारण, उसी समय केवल उतने से समस्त पाप का हुआ निवारण। चोर शराबी गुरु पत्नी गामी, इनका संसर्गी वह ब्रह्म घाती, स्त्री पिता गाय मारने वाला चाहे जितना भी हो पापी। सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा पाप निवारण, वो सच्चे मन से केवल भगवान नाम का करे उच्चारण। भगवान के नाम उच्चारण से गुण लीला में बुद्धि रम जाती, शम भगवान की उसके प्रति आत्मीया बुद्धि हो जाती। ऋषियों ने पापों के बहुत से कुछ वंदायन व्रत बतलाए, पर इनमें पापों की जड़ से शुद्धि न देखो वो ने पाए। जैसे भगवान नाम से गुम्फित पदों का करने से उच्चारण, क्योंकि वे नाम भगवान के गुणों का ज्ञान कराते राजन। यदि प्राशित करके भी फिर से कुमार्ग में दौड़े चित, तो यह चरम सीमा का पूरा पूरा नहीं है प्राशित। जो चाहे ऐसा प्राशित की वासना जड़ से उखड़ जाए, भगवत गुणों का करे गुण गाने, इसमें चित शुद्ध हो जाए।
अतः आजा मिल को छोड़ो, इसने प्राशित कर लिया है। मरते समय इसने भगवान का नाम उच्चारण किया है। तान अलापन में संकेत में या किसी दूसरे अभिप्राय से, किसी की अवहेलना करने में या किसी के परिहास में, अर्थात जीव किसी तरह भगवान नाम उच्चारण करता, सारे पाप नष्ट हो जाते, वैसा चाहे प्राशित करता। गिरते समय, फिसलते समय या अंग भंग होते समय, सांप के डसने, आग से जलने या कोई चोट लगते समय, किसी भी विवशता से यदि भगवान नाम का करे उच्चारण, वह यम यातना का पात्र न होता, चाहे जो भी हो कारण। महर्षियों ने जानबूझ कर बताए प्राशित के रास्ते, बड़े प्राशित बड़े पापों को, छोटे है छोटे पाप वास्ते। संदेह नहीं तप दाने जप से वे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर उन पापों से मलिन हुए हृदय शुद्ध नहीं होते हैं। निसंदेह प्राचित करने से पाप भस्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान चरण सेवा से हृदय शुद्ध हो जाते हैं। जाने अनजाने अग्नि स्पर्श से ईंधन भस्म हो ही जाता, वैसे ही प्रभु नाम गाने से बड़ा पाप नष्ट हो ही जाता। जैसे कोई अनजाने में अमृत को पी लेता है, तो भी वो पीने वालों को सदैव अमर बना देता है। वैसे ही अनजाने में प्रभु नाम फल दे कर ही रहता, हे यमदूतो वस्तु शक्ति नहीं करती श्रद्धा की अपेक्षा। श्री सुखदेव जी बोले, राजन पार्षदों ने भगवत धर्म सुनाया, आजा मिल को यम से बचा, मृत्यु के मुख से भी बचाया। राजन पार्षद की सुन बात, दूत गए यमराज के पास, जो कत्यो वृतांत सुनाया, गंभीर हो सोचे यमराज। यम दूतों के फंद से छूट अजमिल निर्भय स्वस्थ हो गया, उसने भगवान के पार्षदों को शीश झुका प्रणाम किया। पार्षदों ने देखा अजमिल, उनसे कुछ कहना चाहता, वे उसके सामने ही वही अंतर्ध्यान हो गए सहसा। अजामिल ने श्रवण किया था पार्षदों से भागवत धर्म, और यमदूतों के मुख से श्रवण किया था सगुण धर्म।
भगवान की महिमा सुनने से हुआ उदय हृदय भक्ति भाव। बड़ा पश्चाताप उसे होने लगा, आए याद उसे अपने पाप। मन ही मन वो सोचने लगा, मैं कैसा इंद्रियों का दास। दास गर्भ से पुत्र पैदा कर ब्राह्मण तत्व का कर लिया नाश। संतों द्वारा निंदित हूँ मैं, मुझको बारंबार धिकार। शराब कुलटा के चाकर में किया अपनी पत्नी का त्याग। माँ बाप थे बूढ़े तपस्वी, वे पहले से थे असहाय। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था मेरे सिवाय। मैं कितना नीच हूँ क्योंकि बुझाता रहा मैं काम आगे। इस चक्कर में मात पिता का मैंने कर दिया परित्याग। मैं अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर मैं पापी अनेक यातनाएं भोगूंगा। मैंने अभी जो दृश्य देखा, क्या है ये कोई सपना अथवा जागृत अवस्था का ही है कोई अनुभव अपना। अभी अभी जो फंदा लेकर मुझको मिलकर खींच रहे थे, वे अपने फंदे में फंसा कर पृथ्वी के नीचे खींच रहे थे। परंतु चार सुंदर सीतों ने आकर मुझको छुड़ा लिया है। कहाँ चले गए वे सारे, कहीं नहीं उनका पता है। यद्यपि मैं इस जन्म का पापी महापापी हूँ, मैं पूर्व जन्म अवश्य ही शुभ कर्म किए जो देवताओं के हुए दर्शन। मैं कुलटागामी अपवित्र हूँ, पूर्व जन्म किए पुण्य कर्म। तभी तो मेरी जीभ अंत में निभा सकी प्रभु नाम धर्म। कहाँ तो मैं माँ कपटी पापी, मन में बसाए वासना काम। और कहाँ भगवान कव है परम मंगल नारायण नाम। अब मैं मन इंद्रिय कर संयम, भविष्य में ऐसे कर्म करूँगा। फिर मैं अपने आप को उस घोर नरक में ना डालूँगा। अपने को शरीर समझकर उसके लिए की कामनाएं। अनेकों कर्म किए मैंने पूरी की सारी वासनाएं। अब मैं इस बंधन को काट कर प्राणियों के हित में लगूंगा, वासनाओं को शांत कर मैं दुखियों पर अब दया करूंगा। सबसे मित्रता का व्यवहार पूरे संयम से मैं रहूंगा। मैं मेरे का भाव छोड़ कर हरि नाम का जाप करूंगा। भगवान माया ने स्त्री रूप में मुझ अधर्मी को खूब फंसाया, और क्रीड़ा मृग की भांति मुझ कामी को है खूब नचाया।
पार शदों का सत्संग सुने कर अजामिल को हो गया वैराग। वे सबसे संबंध तोड़े सीधे चले गए हरिद्वार। वहाँ योग मार्ग का आश्रय ले इंद्रियों को विषयों से हटाया, उन्हें मन में लीन करके फिर मन को बुद्धि से मिलाया, फिर आत्मचिंतन से बुद्धि को सारे विषयों से अलग हटाया, हरि स्वरूप का अध्ययन करके उनको पार ब्रह्म से मिलाया। श्री शुकदेव जी बोले राजन, इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से भगवान स्वरूप में हो गई स्थित। तब देखा उनके सामने पहले वाले पार्षद चार, सामने खड़े थे उनको शीश झुका किया नमस्कार। दर्शन के बाद गंगा तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल पार्षदों का स्वरूप धारण कर लिया। अजामिल उन पार्षदों साथ हो आरूढ़ गए स्वर्ग विमान, आकाश मार्ग से चले गए लक्ष्मीपति वैकुंठ धाम। अजामिल ने हो वैश्यगामी धर्म कर्म किया सारा चौपट, राजन अपने निंदित कर्म से अजामिल हो गया पतित। नियमों से च्युत हो जाने पर गिराया जा रहा था नरक में, वे तत्काल मुक्ति हो गए प्रभु नाम के उच्चारण से। जो लोग इस संसार बंधन से चाहते हैं मुक्ति राजन, प्रभु नाम से बढ़कर दूसरा और नहीं है कोई साधन। जो भी नाम का आशा लेकर दूसरे पचड़ों में ना पड़ता, दूसरे साधन अपना कर रजतम गुण से त्रस्त न रहता। राजन ये गोपनीय इतिहास है समस्त पापों का नाशक, जो करे इसका श्रवण वो कभी नहीं जाता नरक। नहीं देख सकते यमदूत उसकी ओर आँख उठाकर, चाहे कितना भी पापी हो होती पूजा वैकुंठ जाकर। पुत्र बहाने हरि नाम लेकर अजामिल ने पाया वैकुंठ धाम। जो श्रद्धा से करे उच्चारण उसको डरने का क्या काम।